पर आ रही है। एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा टल गया है। स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया था। मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन डीरेल हो गई और इंजन के 6 चक्के पटरी से उतर गए। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर पहुंची अधिकारियों की टीम, इंजन को पटरी पर लाया गया। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के नारायणपुर स्टेशन के कुछ दूरी पहले एक मालगाड़ी की 6 बोगी बेपटरी हो गई थी और वहीं 2 दिनों के ठीक बाद दूसरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इंजन के 6 चक्की बेपटरी हो गए और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इसी रेल लाइन पर एक रेल हादसा हो चुका है। अब सवाल यही है कि आखिर इस रेल लाइन में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कोई तकनीकी खामियां हैं, किस वजह से बार बार इस तरह के रेल हादसे हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुजफ्फरपुर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन बेपटरी हुई, इंजन के 6 चक्के पटरी से उतर गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंजन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। फिर से एक बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया है। स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन डीरेल हो गई, इंजन के 6 चक्के पटरी से उतरे। हालांकि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 2-4 दिनों पहले ही इसी रेल लाइन पर एक हादसा हो चुका है। सवाल यही है कि आखिर इस पटरी पर, इस रेलवे लाइन पर किस तरह की गड़बड़ियां हैं, क्या तकनीकी खामियां हैं, क्यों इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर है। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है, क्या किसी तरह की कोई तकनीकी खामी है, किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, किस वक्त हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, इसको लेकर तो अब टीम जो है वह जांच में जुट गई है कि आखिर बार बार मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल लाइन पे यह हादसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी हुआ था। और यह जो है करीब 12 बजे रात में यह हादसा हुआ है, जब पुणे और मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो है वह गाड़ी जा रही थी और स्टेशन से बस निकली ही थी, तभी जो है यह गाड़ी जो है स्टेशन से निकली, तभी मुजफ्फरपुर जंक्शन से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक इंजन जो है वह इंजन के कुछ चक्के जो है बेपटरी हो गए। हालांकि गाड़ी धीमी थी, किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ है और आनंद फानंद में जो एएनसी की टीम है वह भी पहुंच गई और उसके मदद से जो है कुछ ही घंटों में उसको यातायात जो है परिचालन जो है वह सामान्य भी हो चुका है और इंजन को भी पटरी पर ले आया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया।